बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम व फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि होम मेड रेमेडी है। नेचुरल तरीके से हम अपनी स्किन को कैसे ग्लो और शाइनी बना सकते हैं, हम अपनी स्किन को वाइट और ख़ूबसूरत बनाएंगे। तो आज मेरे पास है एक टमाटर। आपके घर में टमाटर तो आम ही होते होंगे, पहले हम सब्जियों में टमाटर डालते थे, सालन में टमाटर डालते हैं, तो आज क्यों ना हम टमाटर से अपनी स्किन को खूबसूरत और थोड़ा सा शाइनी और ग्लोइंग बना दें। तो इसमें मेहनत भी नहीं लगने वाली, आप लोग बस सादा सा तरीका अपनाएं और झटपट से अपनी स्किन को खूबसूरत बना लें। तो आज मेरे पास है टमाटर। टमाटर आपने लेना है कच्चा नहीं लेना, जो लाल टमाटर होता है वो टमाटर आपने लेना है, जिसके अंदर थोड़ा सा रस भी हो तो वो टमाटर आपने ले लेना है और उसे दो हिस्सों में काट लेना है। टमाटर का रस जो होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होता है। ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, हमारी स्किन पे ब्लीचिंग का रिज़ल्ट देता है। आपने क्या करना है कि मेरे पास है चीनी और खुश्क दूध, आपने एक चम्मच चीनी का ले लेना है और एक चम्मच खुश्क दूध का ले लेना है। सबसे पहले आपने टमाटर पर खुश्क दूध लगाना है और उसके बाद उस पर थोड़ी सी चीनी लगा लेनी है। ये दोनों चीज़ें ही आपकी स्किन से, जो भी आपकी स्किन पर दाग धब्बे होंगे, चेहरा जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है गर्मी की वजह से, आपकी स्किन पे बहुत ही अजीब सी मैल आ गई है जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही, तो आपने बस होम रेमेडी लगानी है। इसको लगाते ही ना आपकी स्किन पे एक ऐसा निखार, एक ऐसा ग्लो आएगा, एक ऐसी चमक आएगी ना कि आप लोग खुद ही हैरत में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लगाकर भी दिखाऊंगी और लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसके कितने बेहतरीन रिज़ल्ट है। हम अच्छी तरह से स्क्रबिंग करेंगे अपने फेस पे, आप अपनी गर्दन पर भी कर सकते हैं, आप अपने हाथों पाँव पर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, ये आपको 100% रिज़ल्ट देगी, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे नहीं आएंगे इंशाल्लाह। इसे अगर आप हफ्ते में दो बार तीन बार भी यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन से जो आपके दाग धब्बे होते हैं, जो छाइयाँ होती है, उसे दूर करेगा। अगर आपकी स्किन लटकी हुई है, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ रही हैं, तो उसे भी ख़त्म करने में ये हेल्पफुल होगा। तो आई होप ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाली है। बस एक बार अपनी बहन के कहने पर ये रेमेडी लगा लें और फिर आपको खूबसूरत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से पहले मसाज कर लेंगे। आपने 5 से 10 मिनट अपने फेस पे लाजमी मसाज करना है और फिर आपने सादे पानी से अपने फेस को, अपनी गर्दन को वॉश कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे और इसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। वॉश करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा ना, आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरा एक हाथ जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत ही डल सा लग रहा है, लेकिन जिस पे मैंने ये अप्लाई की रेमेडी, वो कितना खूबसूरत और कितना शाइन और ग्लो कर रहा है। इससे आपकी स्किन वाइट भी होगी, आपकी स्किन की जब स्क्रबिंग होती है ना, फिर आपकी स्किन खुद ही ग्लो करने लग जाती है, आपकी स्किन पे डेड सेल रिमूव हो जाते हैं और फिर आपकी स्किन शाइनी और ख़ूबसूरत हो जाती है। आप लाइव रिज़ल्ट देखते हैं, इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। बस ये होम रेमेडी आपने अप्लाई करनी और फिर आपकी स्किन को खूबसूरत होने से कोई भी नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। आपको आज की रेमेडी अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।